हिमाचल में कांग्रेस आर पार के मूड में, जानिए क्या है सरकार बचाने के विकल्प। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बुधवार को संघर्ष करती हुई नजर आई। राज्यसभा चुनाव में हिमाचल की ओर से एक सीट पर मिली हार के बाद राज्य में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा बुधवार सुबह की थी, हालांकि बाद में वो इसे लेकर नरम दिखे। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस के उन 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जिन्होंने बजट पास करने के लिए पार्टी के जारी व्हिप का उल्लंघन किया है। सुक्कू सरकार पर खतरा बरकरार। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बजट भले ही पास करवा लिया हो, मगर सुक्कू सरकार की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी सत्तारूढ़ कांग्रेस के और विधायकों को अपने साथ लाने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में हिमाचल में सत्ता की लड़ाई अभी तो बस शुरू हुई है। बीजेपी अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ती है तो कम से कम 14 विधायकों को तोड़ना होगा, तभी दल बदल कानून से बचा जा सकता है। अभी कांग्रेस के केवल 6 विधायकों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। अगर ये 6 विधायक विधानसभा में बीजेपी के पाले में आते हैं और कांग्रेस का विरोध करते हैं तो ऐसे में इन पर दल बदल कानून की तलवार लटकी रहेगी। कांग्रेस ने 6 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए कहा है। कांग्रेस की याचिका पर विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया को सुनवाई करनी है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी की लीगल टीम दिल्ली से हिमाचल पहुंच चुकी है। हिमाचल में सियासी हलचल बढ़ने की शुरुआत मंगलवार को तब हुई थी जब 40 विधायकों वाली कांग्रेस को 25 विधायकों वाली बीजेपी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के 6 विधायकों, 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की और हर्ष महाजन से ये सीट जीतने में सफल रही। इसके बाद सुक्कू सरकार के बने रहने पर सवाल उठने लगे। राज्य में कांग्रेस को संघर्ष करता देख पार्टी आलाकमान ने डीके शिवकुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल प्रदेश भेजा है। ये नेता विधायकों से बात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर खतरा मंडराने की एक वजह विक्रमादित्य सिंह का सुक्कू के विरोध में आ जाना भी है। राज्यसभा के लिए वोटिंग वाले दिन विक्रमादित्य सिंह ने कहा था, जहां तक मेरी अंतरात्मा की बात है वो स्पष्ट है, बाकी किसी ने क्रॉस वोटिंग की तो उसके बारे में पता नहीं। मंगलवार को जो विक्रमादित्य कांग्रेस के साथ होने की बात कर रहे थे, बुधवार को वही सुक्कू सरकार के खिलाफ नजर आए। बाद में सीएम सुक्कू ने विक्रमादित्य सिंह को अपना छोटा भाई बताया और उनकी समस्याओं को सुनने की बात कही। बुधवार रात को विक्रमादित्य सिंह जब मीडिया के सामने आए तो इस्तीफे पर नर्म नजर आए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा, हमने पर्यवेक्षकों से बात की है, हमने उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता मैं अपने इस्तीफे पर जोर नहीं दूंगा, आने वाले समय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष और विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह ने कहा कि विक्रमादित्य ने पार्टी से नहीं बल्कि कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अभी तक यही कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और यह स्वीकार नहीं किया गया है। अब पर्यवेक्षकों को देखना है कि क्या करना है। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से कुछ बातें ठीक नहीं चल रही थी। हम हाईकमान के संज्ञान में ये बात बार बार ले गए हैं। हम चाहते हैं कि वो इस पर कोई फैसला करते हैं, उन्हें भी बुलाते और हमें भी बुलाते और इसका कोई हल निकालते तो आज हम इस स्थिति पर नहीं पहुंचते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।
शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।